आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले खेलना है टीम इंडिया को दो प्रैक्टिस मैच वर्ल्ड कप में, जहां पहला प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 25 मई 2019 को। तो इसके बाद दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा टीम इंडिया का, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच 28 मई को। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय टीम के पहले प्रैक्टिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पहला प्रैक्टिस मैच वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 25 मई 2019 को। जो कि इस वीडियो में आज हम इस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहाँ और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का पहला प्रैक्टिस मैच जो कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 25 मई 2019 डे को, जो कि यह मैच लंदन के क्रिंटन ओवल के स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 PM से। अब अगर हम बात करें इस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में, तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, टीम इंडिया के जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज। तो इसके बाद नंबर दो पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की। अब अगर बात की जाए नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन द रन मशीन यानी कि विराट कोहली, जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। अगर बात की जाए नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे विजय शंकर, जी हाँ, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो कि नंबर चार की बल्लेबाजी करेंगे, साथ ही साथ गेंदबाजी भी अच्छी खासी करते हैं। अब अगर बात कीजिए नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त विकेटकीपर बल्लेबाज, जो कि महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ फिनिशिंग बल्लेबाजी भी करते हैं। अगर बात कीजिए नंबर छह की, तो नंबर छह पर होंगे टीम इंडिया के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज, जो कि दिनेश कार्तिक इस मैच में एज ए बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, क्योंकि दोस्तों केदार जाधव वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए थे लेकिन अब ये फिट हैं और वर्ल्ड कप 2019 में भी खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्रैक्टिस मैच में केदार जाधव को नहीं खिलाया जाएगा, उन पर कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे में इनकी जगह पर दिनेश कार्तिक को खिलाया जाएगा प्रैक्टिस मैच में। अगर बात की जाए नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अपने बल्ले और गेंद से काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर बात की जाए नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे टीम इंडिया के चाइना स्पिनर कुलदीप यादव। तो इसके बाद नंबर 9 पर होंगे जितेंद्र चहल, टीम इंडिया के बेहतरीन लेग स्पिनर। अगर बात की जाए नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद शमी, टीम इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर। तो इसके बाद नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग यानी कि डेथ ओवर के बादशाह कहे जाने वाले, जो कि जसप्रीत बुमराह भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों यदि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले प्रैक्टिस मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोस्तों ये भारतीय टीम के संभावित प्लेइंग 11 है पहले प्रैक्टिस मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि नंबर चार की बल्लेबाजी के लिए टीम में केएल राहुल की भी जगह बनती है, जो कि केएल राहुल इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन जब बीसीसीआई ने भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस किया था, तो उस टाइम पर कहा था कि हमने विजय शंकर को टीम में इसलिए सिलेक्ट किया है नंबर चार की बल्लेबाजी के लिए। तो गाइस आपके हिसाब से क्या केएल राहुल की जगह बनती है भारतीय टीम में ऐसे नंबर चार की बल्लेबाजी के लिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड।